हेलो स्टूडेंट्स, ओटू आइस अकेडमी की डी रॉ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज्योति कौशल है और हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं HAS एग्जाम के लिए, जिसके अंदर हमने एक सब्जेक्ट को कवर कर लिया है, दैट इज आर्ट एंड कल्चर, और हमने इन्वायरमेंट के करंट अफेयर को कवर करना शुरू किया था। आज आपका इन्वायरमेंट का लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम कुछ करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर लेंगे। तो शुरू करने से पहले, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी ओटू आइस अकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको HPAS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDFs मिल जाएंगी। तो आप जाकर वहां पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे ही जो भी बच्चे आने वाले HAS एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करवाएंगे। इवन जो स्टेट स्पेसिफिक GK है उसको भी कवर करवाएंगे। तो एक बार जाकर उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की सबसे पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लू बुल की, जिसको नीलगाय भी कहा जाता है। तो इसकी जो स्पीशीज है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और ज्यादातर ये देखा जाता है कि ये फार्मर्स की जो क्रॉप है उसको डिस्ट्रॉय करती है। तो रिसेंटली जो बिहार गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि अब हम इनकी जो स्पीशीज है इनको कल नहीं करेंगे, दैट मीन्स नहीं मारेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इनको स्टरिलाइज करेंगे। स्टरिलाइज करने का मतलब है कि इनको स्टरिलाइज करके जो ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं वो ये नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन होगी वो कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो ब्लू बुल है वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है IUCN की। देखो, हर एक स्पीशी के रिगार्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि IUCN की कौन सी कैटेगरी में आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की कौन से शेड्यूल में आती है, या फिर अगर साइट्स अपेंडिक्स उसे दिया हुआ है तो कौन से अपेंडिक्स में आती है। ये सब चीज़ें आपको हर एक स्पीशीज के बारे में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान वाले रीजन में जो नील गाय है वो देखने को मिलती है। इसका मैंने लीस्ट कंसर्न आपको बताई दिया कि IUCN स्टेटस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस केरला के बारे में, जो कि एक फिश की स्पीशीज है। ठीक है, इसको मिस केरला भी कहा जाता है, और इसकी बॉडी के ऊपर रेड एंड ब्लैक स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। रिवर, अगर मैं बात करूं कि ये कौन से रिवर्स में देखने को मिलती है, जो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं केरला के स्पेशली, वहां पे ये देखने को मिलती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 की कैटेगरी में ये लाइक करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिस केरला है या फिर डेनिसन बाब है वो किस चीज की स्पीशी है। तो ये एक फिश की स्पीशीज है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के क्वालास के बारे में। तो रिसेंटली जो क्वालास हैं, पहले वल्नरेबल कैटेगरी में लाए करते थे IUCN की, लेकिन अब वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं। अगर मैं क्वालास की बात करूं तो ये एक आर्बोरियल मार्सुपियल है। आर्बोरियल मार्सुपियल का मतलब ये है, आर्बोरियल का मतलब ये पेड़ों पर रहते हैं, और मार्सुपियल का मतलब है ये पाउच्ड मैमल्स हैं। पाउच्ड मैमल का मतलब ये होता है कि अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको वो पाउच के अंदर ही फीड करते हैं, क्योंकि इनका जो प्लेसेंटा होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, और इनके वूम्ब के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो प्रोजेनी है, वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाती। तो इसीलिए ये पाउच्ड मैमल्स होते हैं और वहां से ही अपनी जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन है उसको फीड करते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन अब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि इनकी जो हैबिटेट वगैरह है वो डिस्ट्रक्ट हो रही, और वो इस वजह से डिस्ट्रक्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जैसे आपने पढ़ा था कि पिछले साल यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा फायर देखने को मिली है, फॉरेस्ट फायर, तो उस वजह से भी जो इसकी एक तरह से पॉपुलेशन है वो कम हो गई है। तो आपने याद रखना है कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया है IUCN की। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्टर्न स्वैम्प डियर के बारे में। तो अगर मैं ईस्टर्न स्वैम्प डियर की बात करूं, तो असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पे इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी थोड़ी सी इसकी पॉपुलेशन में डिक्रीज आया है। अगर मैं बात करूं बारासिंगा, दैट मीन्स स्वैम्प डियर की अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में, तो ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न स्वैम्प डियर्स यहाँ पे पूरे इंडिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके IUCN स्टेटस की बात करूं, तो तीनों का जो स्टेटस है दैट इज़ वल्नरेबल एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लाई करता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में लाई करता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको स्वैम्प डियर के बारे में पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं धोलेस के बारे में, जो कि वाइल्ड एशिया के वाइल्ड डॉग्स हैं, जिनको जंगली कुत्ते भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके अलग अलग नाम हैं ऑल ओवर द इंडिया, ये अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं, लेकिन इनकी भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसी वजह से ये IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में ये लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक पर्चर के बारे में, जो कि एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज़ है।
ठीक है। इसको ब्लैक पर्शर भी बोला जाता है या फिर ब्लैक ग्राउंड स्किमर भी बोला जाता है। अगर मैं इसके IUCN कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे ये लीस्ट कंसर्न है, 2016 के अंदर ही ऐड हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक पर्चर जो है वो किस चीज़ की स्पीशीज़ है, तो ये एक ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स के बारे में। तो रिसेंटली जो नीमाटोड इन्फेस्टेशन होने की वजह से जो स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स हैं उनकी एक तरह से डेथ यहाँ पे देखने को मिली है। इनकी जो पॉपुलेशन है मोर्टैलिटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अगर मैं स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो इनके जो माउथ वाला रीजन है वहाँ पे पिंक पाउच देखने को मिलता है। इसके अलावा जो स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स है वो अलग अलग रीजन्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो आपने इनके बारे में याद रखना है कि इंडिया के अंदर ये देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ये जो स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स है ब्रीड करने के लिए आते हैं। इसके अलावा IUCN स्टेटस इनका नियर थ्रेटेंड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में ये लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीतास के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था, हमारे इंडिया के अंदर जो चीतास हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर दो टाइप के चीतास देखने को मिलते हैं, एक एशियाटिक चीता और एक अफ्रीकन चीता। अफ्रीका वाले रीजन के अंदर अफ्रीकन चीतास ज़्यादातर लाई करते हैं और एशिया वाले रीजन में एशियाटिक चीता। अब क्योंकि हमारा इंडिया एशिया वाले रीजन में आता है तो यहाँ पर एशियाटिक चीता देखने को मिलते थे, लेकिन अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो ईरान वाला रीजन है वहीं पर ही एशियाटिक चीता देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम कुछ चीतास को इंडिया वाले रीजन के जो मध्य प्रदेश में एक सेंचुरी है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। देन इज आपने ये याद रखना है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि मध्य प्रदेश में लाई करती है, कूनो पालपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। इन दोनों के IUCN स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए। अफ्रीकन चीता का वल्नरेबल है, इन द सेम वे एशियाटिक चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुके हैं और हमारे इंडिया वाले रीजन में जो एशियाटिक चीता है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको चीता के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइट चीट मकाक के बारे में। तो रिसेंटली जो आंध्र प्रदेश है उसके अंजॉर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहली बार वाइट चीट मकाक जो है वो देखने को मिला है। इससे पहले ये चीट मकाक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था, चाइना वाले रीजन में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता था। अब क्योंकि नहीं देखने को मिलता था तो यहाँ पे कोई भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का स्टेटस भी नहीं इसको दिया गया, ठीक है। अगर मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो इनकी जो चीक्स होती हैं थोड़ी वाइट कलर की होती हैं, इनके नेक के रीजन के ऊपर लॉन्ग और थिक हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा इनकी जो टेल होती है वो लंबी होती है। तो ये कुछ चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिम्सन रोज बटरफ्लाई के बारे में। सबसे पहली बात तो ये एक बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है, दूसरी बात इसका क्रिम्सन कलर है, दैट मींस इसकी जो ऊपर अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलेंगे तो ब्लैक वाइट और थोड़ा सा रेडिश कलर आपको देखने को मिलेगा जिसको हम क्रिम्सन भी कह देते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर ये इंडिया श्रीलंका वाले रीजन में, अंडमान निकोबार वाले रीजन में देखने को मिलती हैं, इधर से इधर फ्लाई करती रहती हैं। अगर मैं IUCN स्टेटस की बात करूँ तो ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है, क्योंकि ज़्यादा है नंबर में तो इसीलिए लीस्ट कंसर्न में इसको डाला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द सेम वे बटरफ्लाई की एक और स्पीशीज जिसका नाम है पाम किंग। तो रिसेंटली ये तमिलनाडु वाले रीजन में देखने को मिली है स्पीशीज। अगर मैं बात करूँ इसके कलर की तो ये थोड़ी ब्राउन कलर की दिखती है और ये ब्राउन कलर की इसलिए दिखती है ताकि ये वुड के ऊपर रह सके और वहाँ पे कैमोफ्लेज कर सके, मतलब अपना जो प्रीडेटर है उससे एक तरह से बचने के लिए ये ऐसा कलर जो है वो ले लेती है। इसके अलावा ये जो बटरफ्लाई है वो ज़्यादातर साउथ एशिया वाले रीजन में देखने को मिलती है, जैसे कि इंडिया, म्यांमार, इंडो चाइना हो गया, मलेशिया, थाईलैंड हो गया, ठीक है, इन सब रीजन्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी कुकुम्बर के बारे में। तो क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है इसकी जो शेप है कुकुम्बर की तरह है तो इसको हम सी कुकुम्बर बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये किस चीज़ की स्पीशीज़ है, तो ये एक मरीन इनवर्टिब्रेट है। दैट मीन्स इनवर्टिब्रेट्स का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, वो प्रेजेंट नहीं होती, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, तो ये इनका कोई पर्टिकुलर सा फीचर होता है। तो ये पानी में रहने वाले इनवर्टिब्रेट हैं जो कि रिसेंटली इंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ये लाई करते हैं। अगर मैं बात करूं कि सी कुकुम्बर इकोसिस्टम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये चीज़ें खाता है तो उसकी वजह से डाइजेशन होने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करता है और आपको पता ही है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कोरल्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और जो कोरल्स होते हैं वो वहीं पर ग्रो करते हैं जहाँ
जहाँ पे पोल्यूशन कम होती है। दैट मीन्स आप देख सकते हो कि सी कुकुम्बर जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीशीज है। इसके अलावा जो सी कुकुम्बर है इसकी स्मगलिंग भी करी जाती है तमिलनाडु और श्रीलंका वाले रीजन से चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। अगर मैं बात करूँ कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स देखने को मिलती है तो ये एक हो गया ब्राउन सी कुकुम्बर, देन इज ब्लू सी कुकुम्बर और एक हो गया ब्लैक स्पॉटेड कुकुम्बर। तो इनके अलग अलग IUCN स्टेटस आपने याद रखने हैं। जो ब्राउन वाला है उसका इंडेंजर्ड है, देन इज जो ब्लैक वाला है वो लीस्ट कंसर्न है, ज़्यादा देखने को मिलता है। इन द सेम वे अगर मैं ब्लू कुकुम्बर की बात करूँ तो इसके ऊपर इतना ज़्यादा जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है, इसीलिए ये डाटा डेफिशिएंट की कैटेगरी में लाई करता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्विटा पॉर्पोइसिस के बारे में। तो रिसेंटली इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, इस वजह से ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। अगर मैं वैक्विटा पॉर्पोइसिस के बारे में बात करूँ तो ये एक मरीन मैमल है। जैसा कि आपको पता है मैमल्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती हैं ताकि वो अपने बच्चों को फीड कर सकें। मरीन का मतलब यही हो गया कि ये पानी के अंदर रहती हैं। इसके अलावा वेल्स, डॉल्फिन्स और जो पॉर्पोइसिस हैं ये तीनों की तीन मरीन मैमल्स हैं, पानी के अंदर रहती हैं, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं और बच्चों को फीड करती हैं। तो पॉर्पोइसिस भी थोड़ी सी डॉल्फिन्स की तरह ही दिखती है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है इनके डिफरेंट होते हैं, जैसे कि इनके जो नोज़ की शेप हो गई, फेस की शेप हो गई, इनके जो फिन्स की शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अदरवाइज ये भी एक मरीन मैमल ही है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेजर्ट फॉक्स के बारे में, जो कि रिसेंटली राजस्थान वाले रीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको एक डिजीज़ हो गई है जिसका नाम है मांगेज डिजीज़। तो ये मांगेज डिजीज़ इनकी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है जिसके अंदर इनको बहुत ज़्यादा इचीनेस होने लग जाती है, इसके अलावा इनका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम मांगेज डिजीज़ कहते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो डेजर्ट फॉक्सेस हैं वो ज़्यादातर डेजर्ट वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान हो गया। इसका IUCN स्टेटस आपने याद रखना है लीस्ट कंसर्न है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देन इज अ साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में ये लाई करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गैनोडर्मा ल्यूसिडम के बारे में, जो कि एक मशरूम की स्पीशीज़ है जिसको मैजिकल मशरूम भी कहा जाता है। इसको मैजिकल मशरूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे यूजेस हैं, जैसे कि मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसके अलावा किसी भी डिजीज़ को ठीक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो रिसेंटली बड़े बड़े जो बिजनेसेस वगैरह हैं इसको ग्रो कर रही हैं ताकि इसको मेडिसिनल पर्पसेस वगैरह के लिए यूज़ किया जाए। दैट मीन्स यहाँ पे ये एक अच्छा लाइवलीहुड निकल कर आया है जो भी लोग इसको कल्टीवेट करेंगे। इसके अलावा आपने इसको याद रखना है कि ज़्यादातर ये वुड लॉग्स के ऊपर ही कल्टीवेट होती है। दैट मीन्स जो बड़ी बड़ी पेड़ों की जो स्टेम्स वगैरह हैं, वुड लॉग्स हैं, उसके ऊपर इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही कल्टीवेट करी जा सकती हैं। तो आपने मैजिकल मशरूम के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेटर वन हॉर्न्ड रिनोसेरॉस के बारे में। तो हमारे आपको पता ही होगा कि असम वाले रीजन में सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में इसकी जो पॉपुलेशन है वो देखने को मिलती है। रिसेंटली इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है क्योंकि अलग अलग जैसे पोचिंग वगैरह करने की वजह से, हंटिंग करने की वजह से, इवन इसका जो वन हॉर्न है उसको एक तरह से उसकी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, तो उसकी वजह से भी इनको मारा जा रहा है, तो इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे इंडिया के असम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में ही ये देखने को मिलते हैं। इसके आपने IUCN स्टेटस को याद रखना है, दैट इज़ वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है। देन इज साइट्स के अपेंडिक्स 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 की कैटेगरी में ये लाई करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्दर्न रिवर टेरेपिन के बारे में, जो कि एक टर्टल की स्पीशीज़ है। रिसेंटली इन टर्टल की स्पीशीज़ के अंदर GPS मेथड सिस्टम को लगाया गया था ताकि हम इसको एक तरह से डिटेक्ट कर सकें कि ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं। तो देखा गया कि ये बांग्लादेश वाले रीजन में पहुँच गए हैं। आपने याद रखना है कि कौन कौन से रीजन में ये जो टेरेपिन्स हैं ये देखने को मिलते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, कंबोडिया, ज़्यादातर जो साउथ एशिया वाला रीजन है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है कि इनका IUCN स्टेटस जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा कम हो गई है इनकी पॉपुलेशन, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में ये लाई करते हैं और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइगर डेंसिटी के बारे में। तो रिसेंटली ये देखा गया एक स्टडी के अंदर कि जो सुंदरबंस वाला रीजन है वहाँ पे जो टाइगर की कैरिंग कैपेसिटी है वो अचीव हो चुकी है। अगर मैं कैरिंग कैपेसिटी की यहाँ पे बात करूँ तो एक पर्टिकुलर रीजन होता है, जैसे कि 100 किलोमीटर स्क्वायर वाला रीजन हो गया है ना, तो वहाँ पे उस रीजन के अंदर कितनी टाइगर की
पॉपुलेशन रह सकती है, या फिर कोई भी एनिमल की अगर मैं कैरिंग कैपेसिटी की यहाँ पे बात करूँ तो इसका मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो रह सकती है एनिमल की। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे उनके अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा रिसोर्सेज को लेके, दैट मीन्स खाने को लेके वो एक दूसरे से ही लड़ने लग जाएंगे, और जिसकी वजह से जो एक तरह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन है एनिमल की वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो ये देखा गया कि जो टाइगर डेंसिटी है सुंदरबंस वाले रीजन में वो अचीव कर गई है, इस वजह से जो टाइगर्स हैं सुंदरबंस को छोड़कर उसके आसपास वाले रीजन में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन और जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं कि 2018 के अंदर ये देखा गया था कि सुंदरबंस की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 4 टाइगर्स रह सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इससे ज़्यादा हो गए होंगे, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइगर सेंसिस के बारे में, जो हर 4 साल बाद कंडक्ट करवाया जाता है। रिसेंटली जो टाइगर सेंसिस है उसके अंदर ये पाया गया कि हमारे इंडिया के अंदर 2967 नंबर ऑफ टाइगर्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो मध्य प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है, दैट इज़ 526 टाइगर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर कर्नाटका में, और थर्ड जो नंबर है उत्तराखंड वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर ज़्यादातर लाइक करते हैं। इसके बाद अगर मैं IUCN स्टेटस की बात करूं तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में लाइक करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये जो है टाइगर्स वो लाइक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक नया जो फॉसिल है वो अनअर्थ हुआ है US वाले रीजन में, जिसका नाम जो है वो जो बाइडन के ऊपर रखा गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, सिलिप्सी मोपोडी बिटिनी। तो इसका जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए कौन से रीजन में देखने को मिला है, दैट इज़ US के मोन्टेना वाले रीजन में ये देखने को मिला है। अब ये किस चीज़ का फॉसिल है, तो ये एक ऑक्टोपस का फॉसिल है। ऑक्टोपस आपको पता ही होगा कि ऐसी एक मरीन इनवर्टिब्रेट है जिसके अंदर 8 अपेंडिजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फॉसिल अनअर्थ हुआ है उसके अंदर 10 अपेंडिजेस देखने को मिले हैं। यहाँ पे 2 अपेंडिजेस ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट हैं, और ऑक्टोपस के बारे में आपको ये भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज़ हैं, ये एक तरह से ब्लू डाई वगैरह को भी प्रोड्यूस करती है ताकि ये अपने प्रेडेटर से बच सके, वहाँ से एकदम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से प्रोड्यूस करके भाग जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालयन ग्रिफिन के बारे में, जो कि रिसेंटली असम वाले रीजन में पॉइजनिंग होने की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो ये एक वल्चर की स्पीशीज़ है। इसके अलावा हमारे इंडिया के अंदर 9 ऐसी वल्चर की स्पीशीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जो कि अलग अलग स्टेटस है IUCN स्टेटस। आपने याद रखना है कि हिमालयन ग्रिफिन का जो स्टेटस है दैट इज़ नियर थ्रेटन्ड। इसके अलावा जो 9 स्पीशीज़ है उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ओरिएंटल वाइट बैक्ड ग्रिफिन हो गया, रेड हेडेड लॉन्ग बिल्ड ग्रिफिन हो गया, देन इज़ स्लेंडर बिल्ड हो गया। ये चारों की चार जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में लाई करती हैं। इसके अलावा जो इजिप्शियन है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में लाई करती है। नेक्स्ट है जैसे कि हिमालयन बियर्डेड एंड जो सिनरस है वो नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में लाई करती हैं, और जो यूरेशियन ग्रिफिन है वो लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में लाई करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीतल्स के बारे में। तो जो चीतल्स हैं रिसेंटली राजस्थान के कियोलाडो नेशनल पार्क से एक पर्टिकुलर जगह पर एक तरह से मूव किए गए हैं, जैसे कि कहाँ पे मूव किए गए हैं, मुकुंद्रा हिल्स में, ये भी राजस्थान वाले रीजन में ही लाई करता है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेक्निक को यूज़ किया गया जिसका नाम है अफ्रीका की बोमास टेक्निक। अगर मैं बोमा टेक्निक के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक रीजन है अगर जहाँ पे भी जो एनिमल्स है वो लाई कर रहते हैं तो यहाँ पे उसके आसपास एक फनल शेप बनाई जाती है ताकि ये जो एनिमल है एक पर्टिकुलर व्हीकल के ऊपर लोड हो जाए एक तरह से। तो इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है एनिमल्स को एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में मूव करवाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि बोमा टेक्निक क्या है। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि चीतल्स के लिए यूज किया गया है राजस्थान वाले रीजन में, तो चीतल्स का आपको IUCN स्टेटस पता होना चाहिए, दैट इज लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में ये लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हुलॉक गिबन के बारे में, जो कि ओनली एप है जो कि इंडिया वाले रीजन में पाए जाते हैं। अगर मैं हुलॉक गिबन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 2 टाइप्स के जो गिबन्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक वेस्टर्न हुलॉक गिबन हो गया और एक ईस्टर्न हुलॉक गिबन हो गया। ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में ही देखने को मिलते हैं, पर वहाँ पर भी इनका जो एरिया है वो एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कि जो वेस्टर्न हुलॉक गिबन है वो ज़्यादातर ब्रह्मपुत्र और जो दिबांग रिवर है उसके बेसिन में देखने को मिलते हैं। अगर मैं ईस्टर्न हुलॉक गिबन की बात करूं तो इसके अलावा, इन बेसिन के अलावा, अरुणाचल और असम वाले रीजन में ये जो गिबन्स हैं वो देखने को मिलते हैं।
बोलते हैं, दोनों के दोनों की जो आप IUCN की कैटेगरी है आपने वो याद रखनी है, वेस्टर्न वाले की इंडेंजर्ड है और ईस्टर्न वाले की वल्नरेबल है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर दोनों गिबन्स लाई करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको एनिमल स्पीशीज के बारे में पता होनी चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक के इन्वायरमेंट के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो समझ में आए होंगे। ज़्यादातर आपने कोशिश करनी है कि इनके IUCN स्टेटस जो हैं वो याद रखने हैं। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।